आपको बता रहे हैं, पुलिस पूछताछ में अतीक का बड़ा कबूलनामा। उमेश हत्या की पूरी प्लानिंग की थी, काफी पूछताछ के बाद अतीक ने कबूल कर लिया है कि उमेश पाल को मारने की पूरी प्लानिंग उसकी ही थी, क्योंकि उसके अपहरण का केस आखिरी स्टेज में पहुंच चुका था। वो जिस तरह से खुलेआम हमारे खिलाफ बोल रहा था, उसका गलत मैसेज जा रहा था। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के दे रहे हैं इस वक्त हमारे सहयोगी विशाल। को लेकर लगातार वो बैकफुट पर जा रहा था, तो इससे उसका डर, उसका खौफ कम हो रहा था, उसकी दहशत कम हो रही थी, और इसीलिए अब ये कह सकते हैं कि एक बड़ी खबर यही आ रही है कि अतीक अहमद ने इस बात को माना है कि उसका दहशत, उसकी खौफ जो है कम होती जा रही थी, और इसीलिए उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिलाया और अपने बेटे असद को उसने खुद मौके पर भेजा। हालांकि पहले के सवालों में उसने इस बात को डिनाई कर दिया था, पहले के सवालों में उसने ये कहा था कि जो अतीक असद है वो मौके पर नहीं था, और इसके साथ अशरफ ने भी इसको मना कर दिया था, लेकिन लगातार सवालों की बौछार से देखिए विशाल इस वक्त ये जानकारी साझा कर रहे हैं कि कबूल कर लिया है ये गुनाह अतीक ने, जब उससे पूछताछ, क्योंकि आप जानते ही हैं कल से उससे पूछताछ की जा रही है, अशरफ से पूछताछ की जा रही है, और सूत्र ये बता रहे हैं कि उमेश हत्या की पूरी प्लानिंग की थी। गंज में जमीन कब्जा का मामले को लेकर भी उसका नाम सामने आया था, जब उमेश पाल और अतीक के गुर्गों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था। ऐसे में लगातार अतीक के गुर्गों से, अतीक से सीधे जो है लोहा ले रहा था उमेश पाल, और इसीलिए शायद इतनी बड़ी वजह रही है कि उमेश पाल की वजह से अतीक को ये लगने लगा था कि उसकी जमीन, जो उसने दहशत की जमीन तैयार की है। विशाल ये जानकारी साझा करें, विशाल का वापस से रुख करेंगे। मोहम्मद गुफरान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गुफरान का रुख कर लेते हैं सीधा। गुफरान, क्योंकि असद की तो जो कब्र है वो तैयार भी हो चुकी है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये मिल रही है कि उमेश पाल हत्याकांड को लेकर जो साजिश रची थी वो अतीक ने ही रची थी, गहनता से पूछताछ के बाद आखिरकार ये कबूल कर लिए, सूत्र ये बता रहे। हाँ बिल्कुल, देखिए माफिया अतीक अहमद ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है, ये बड़ी अपडेट इस वक्त की है। पुलिस की जो पूछताछ है, जिस तरीके से बीती रात 12 बजे से लगातार उससे पूछताछ की जा रही है, उसमें ये बात साफ हो गई है कि अतीक ने ही इस पूरे हत्याकांड की जो साजिश है रची है, और इस बात की जो जानकारी है विवेचकों को उसने बताया है, और उसने ये भी कहा है कि उमेश पाल लगातार उसके वर्चस्व को चुनौती दे रहा था, उसके खास करके जो जमीन के कारोबार थे उसमें दखल दे रहा था, और यही वजह है कि उसने अपना जो वर्चस्व है वो दोबारा स्थापित करने के लिए उमेश पाल को हटाने की जो पूरी योजना है वो तैयार की, और उसका जो जिम्मा है असद जो एनकाउंटर में मुठभेड़ हुआ है उसका बेटा उसी को सौंपा था, और इसकी जिम्मेदारी जो शूटर होंगे या फिर असलहों की बात, इन तमाम चीजों को उपलब्ध कराने की जो जिम्मेदारी थी वो अशरफ की थी जो बरेली जेल में बंद था। तो कुल मिलाकर के अतीक अहमद जो है पिछले 12 घंटे की जो पूछताछ हुई है इस पूछताछ में टूट गया है पुलिस के सामने, और लगातार वो एक तरीके से तमाम जो नए नए खुलासे कर रहा है इस पूरे हत्याकांड से जुड़े, वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। इसके पहले भी हमने देखा था कि लगातार उसे कई सवाल हुए थे, लेकिन वो अक्सर जो सवालों के जवाब था वो ज्यादातर ना में दे रहा था, लेकिन जब सबूतों के साथ जानकारी मिल पाई क्या जो हथियारों को लेकर उससे पूछताछ की जा रही थी, पाकिस्तान कनेक्शन जो सामने आ रहा था उससे जिसको लेकर पूछताछ भी चल रही है, इस मामले से जुड़ी भी कुछ जानकारी निकल कर अभी आई है क्या पूछताछ में सामने, कोई अपडेट मिल पाया? देखिए अभी जो इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी है वो ये है कि अभी जानकारी एकत्रित की जा रही है पुलिस के तरफ से, विवेचक के तरफ से, और जो जानकारियां जिस तरीके की सामने आई हैं उनको बाकायदा नोट किया जा रहा है रजिस्टर में, और इसी के बाद ये माना जा रहा है कि असलहे जो जिन असलहों के इस्तेमाल होने की बात है उनकी बरामदगी को लेकर के कुछ जगहों पर मूवमेंट भी पुलिस की टीम जो है अतीक और अशरफ को लेकर के कर सकती है, और यही वजह है कि अभी फिलहाल पूछताछ चल रही है, और माना जा रहा है कि देर शाम धूमनगन थाने से उसको निकाल करके जहां पर जो जानकारियां उसने दी है, जैसे प्रयागराज के अलावा फतेहपुर का जिक्र हुआ है, कौशाम्बी का जिक्र हुआ है, इन दो जनपदों में बताया गया है कि असलहे छिपाए गए हैं, तो उन जगहों पर अतीक अहमद की निशानदाही पर जो असलहे हैं उसको बरामद करने की जो कवायद है कोशिश है पुलिस की तरफ से, और माना जा रहा है कि देर शाम यहां से निकाला भी जा सकता है। इसके अलावा पंजाब का जो तस्कर है, जो असलहे का तस्कर है उसका जिक्र है, तो उस को लेकर के भी पूछताछ अभी फिलहाल चल रही है, और अगर पुख्ता सबूत मिल जाते हैं, पुख्ता तौर पर एविडेंस मिल जाते हैं विवेचक को, पुलिस को, तो माना यह जा रहा है कि पंजाब भी अतीक और अशरफ को लेकर के जाया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जो चूंकि गुफरान इस वक्त धूमनगंज थाना पर आप मौजूद हैं, अभी वहां से कोई जानकारी निकलकर सामने आई, पुलिस लाइन भी लेकर जाना था अतीक और अशरफ को, कब तक लेकर जाया जाएगा वहां पर, कोई अपडेट इसके रिगार्डिंग अभी मिल पाया? देखिए अभी की जो जानकारी है वो ये है कि अभी देर शाम तक तो धूमनगंज थाने में ही उसको रखा जाएगा, क्योंकि यहीं पर मुकदमा दर्ज है,
और विवेचक जो है इसी थाने से जुड़े हैं, तो वो लगातार अभी पूछताछ कर रहे हैं। अभी करीब आधे घंटे का जो है ब्रेक उसको दिया है पूछताछ के लिए, एक तरीके से ढिलाई बरती गई है, आधे घंटे का ब्रेक।